हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टैंडअप क्लासेस। सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राघवेंद्र और एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस इवनिंग लाइव क्लास में। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा क्लास 2 दिन लेट हो गया है, बट उसके लिए सॉरी। और इसका कारण मैंने आपको यूट्यूब के पोस्ट में बता दिया कि क्लास क्यों लेट हो गया है। लेकिन आज से फिर हमारा क्लास रेगुलर चलने वाला है, जो कि पहला क्लास चल रहा है। बाकी जो 2 क्लासेस चलेंगे वो दिन में 11 बजे अदर सब्जेक्ट का चलता है और रात 8 बजे इंग्लिश का एक्सपर्ट लाइव क्लास चलता है। तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल स्टैंडअप क्लासेस को, ताकि हमारे द्वारा दी जा रही कोई भी लाइव क्लास आपसे छूट ना सके, ताकि आपके अगले एग्जाम की तैयारी और बेहतर हो सके। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आज के इस इंग्लिश के लाइव क्लास में मैं आपको देने वाला हूं टॉप 50 प्रोवर्ब्स। जी स्टूडेंट्स, आपने नाम तो सुने होंगे लोकितियाँ और कहावतें, तो आपने हिंदी कहावतें सुनी होंगी, लेकिन उसका इंग्लिश जो है मीनिंग आपने निकालने का कभी कोशिश नहीं किया होगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। बहुत ही मज़ा आने वाला है यहाँ पे, तो बने रहिएगा हमारे साथ में वीडियो पर अंत तक। और मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रोवर्ब्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ऑलमोस्ट एग्जाम में हमेशा ये प्रोवर्ब्स 100% पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, देर किस बात की है, चलिए आइए आज का लाइव क्लास हम शुरू करते हैं। तो मैं चलता हूँ नीचे की तरफ और यहाँ से शुरू होता है मेरा आज का लाइव क्लास। तो हमारा जो सबसे पहला प्रोवर्ब्स है स्टूडेंट, वो है माइट इज राइट, जिसका आपने हिंदी अनुवाद सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एज ए एग्जाम्पल, जो ताकतवर होता है उसी की बात माननी पड़ती है। नेक्स्ट है, अ फॉग कांट बी डिस्प्लेड बाई ए फैन, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। आपने ये सारे के सारे हिंदी प्रोवर्ब्स के नाम सुने होंगे, लेकिन यहाँ मज़ा ये आने वाला है, जो इंग्लिश जो है आप सुन रहे हैं, इंग्लिश मीनिंग सुन रहे हैं इन प्रोवर्ब्स का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है यहाँ पे। सो यहाँ पे अ फॉग कांट बी डिस्प्लेड बाई ए फैन का हो जाएगा ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। एज ए एग्जाम्पल, बड़े काम के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, थोथा चना बाजे घना, आपने सुना ही होगा, चाहे अधजल गगरी छलकत जाए, जो कि बेस्ट प्रोवर्ब्स है। नेक्स्ट है, जैसे कि एज ए एग्जाम्पल ले लेते हैं उससे पे बेस्ट जो है। सो जो एग्जाम्पल है, जिसको कम ज्ञान होता है वो दिखावा करने के लिए अधिक बोलता है। नेक्स्ट प्रोवर्ब स्टूडेंट्स, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो इसका हिंदी मीनिंग आपने जरूर पढ़ा होगा, जो कि है चोर चोर मौसेरे भाई, या फिर एक ही थैली के चट्टे बट्टे। जैसे नेता जो है एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं, या फिर एज ए एग्जाम्पल ले लीजिए, एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट है, डू इविल एंड लुक लाइक फॉर लाइक, लुक फॉर लाइक, तो इसका हिंदी मीनिंग आपने जो है सुना होगा, जिसे हिंदी में जो कहावत कहते हैं वो होता है कर बुरा तो होए बुरा, या फिर जैसी करनी वैसी भरनी। तो एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले सकते हैं, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ ये सारे प्रोवर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप जो है जरूर याद कर लीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ में अंत तक, क्योंकि और भी बेहतर प्रोवर्ब्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रोवर्ब्स है स्टूडेंट्स, गुड माइंड गुड फाइंड, आप भले तो जग भला, ये तो आपने विशेष रूप से सुना होगा, जिसका मीनिंग होता है जो खुद अच्छा है उसके लिए सब अच्छा है। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल, इट टेक्स टू मेक्स अ क्वेरल, तो ही इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा एक हाथ से ताली नहीं बजती है। इसका एज ए एग्जाम्पल ले लीजिए, जब दो लोगों में विवाद होता है तो दोनों की ही कुछ ना कुछ गलती होती है। नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब्स है स्टूडेंट्स, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये बहुत ही फेमस प्रोवर्ब्स है, ऑलमोस्ट आपने इसके बारे में सुना होगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। एज ए एग्जाम्पल ले लीजिए, जो ज़्यादा बोलते हैं वो कुछ करते नहीं। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स, एवर आइस इज रूट ऑफ ऑल एविल्स, लालच बुरी बला है, जिसका एज ए एग्जाम्पल लालच करना बुरी बात है। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स, गैदर थर्स्टलेस्ट एंड एक्सपेक्ट पिकल्स, तो क्या होगा, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, मतलब आप करेंगे कुछ और तो दूसरा कहाँ से फल मिल जाएगा उसका, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा कर्म आप करेंगे ठीक वैसा ही आपको फल मिलेगा। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स है, ड्रॉनिंग मैन कैचेज एट स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा। एज ए एग्जाम्पल, मुसीबत में पड़ा व्यक्ति उससे निकलने का हर एक प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट, एज द किंग स्वार दी सब्जेक्ट्स, जैसा राजा वैसी प्रजा, एज ए मीनिंग ले लीजिए, एज ए एग्जाम्पल, जैसा नेतृत्व होगा वैसे ही अनुयायी होंगे। नेक्स्ट, अ हनी टंग अ हर्ट ऑफ गर्ल, क्या है, मुख में राम बगल में छुरी, एज ए इसका जो है
एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें करना और अंदर से बुरे विचार रखना। नेक्स्ट प्रो असिस्टेंट है, प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम, सांच को आँच क्या। जैसे आप इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, जो सच्चा होता है उसे किसी बात का डर नहीं होता है। नेक्स्ट प्रोवर्ब स्टूडेंट्स, सारे के सारे ये प्रोवर्ब्स याद करते हुए चलिएगा। तो नेक्स्ट प्रोवर्ब्स है, ग्रेट क्राई लिटिल वूल, जैसे ऊंची दुकान फीके पकवान, आपने प्रोवर्ब सुना होगा। फिर नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो ऐसे जो है आप ऐसे प्रोवर्ब्स जो है क्लास नाइन्थ से ही जो है सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, जो कि बेहद फेमस प्रोवर्ब्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनका एज ए एग्जाम्पल हो जाएगा, देखने में अच्छा पर असलियत में सामान्य होना। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, अ ड्रॉप इन द ओशन, ऊँट के मुंह में जीरा। ये याद रख लीजिएगा, मतलब कि बहुत ही फेमस यहाँ पे प्रोवर्ब्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि टॉप 50 में है, जो कि ऑलमोस्ट एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो इनका एज ए एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ बहुत कम होना, ठीक है। नेक्स्ट, अ नाइन डेज वंडर, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। एज ए एग्जाम्पल, थोड़े समय के लिए सब कुछ बहुत अच्छा होना, ठीक है। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, क्राइंग इन वाइल्डनेस, भैंस के आगे बीन बजाना, या फिर मूर्ख के आगे रोए अपने नैन खोए। तो इसका एज ए एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी मूर्ख को अपनी बात समझाना। नेक्स्ट प्रोवर्ब है स्टूडेंट, डू गुड एंड कास्ट इन टू द रिवर, नेकी कर दरिया में डाल। आपने ये प्रोवर्ब्स तो पढ़ा ही होगा, तो इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल हो जाएगा, भलाई करने के बदले में कुछ अपेक्षा न रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड्स कट डायमंड, ये तो बहुत फेमस है, ये आप जो है शुरू से सुनते आ रहे हैं, लोहे को लोहा काटता है। तो एज एग्जांपल ले लीजिए, शक्तिशाली को जो है शक्तिशाली ही हरा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स, अ बर्नट चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, आर वंस बीटन ट्वाइस साइ, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। जैसे एक बार गलती हो जाने पर व्यक्ति क्या हो जाता है, सावधान हो जाता है, फिर वो सावधान होने के बाद आराम आराम से देख करके जो है कोई भी काम करता है। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स है, अ फिगर अमंग साइफर्स, अंधों के बीच में काना राजा, ये तो फेमस प्रोवर्ब्स आपने सुना ही होगा। एज ए एग्जाम्पल, कम बुद्धिमान लोगों में अधिक बुद्धिमान होना। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, या हाफ नॉलेज इज डेंजरस, जैसे नीम हकीम खतरा ए जान, जैसे चीज़ों की अधूरी जानकारी होना खतरनाक होता है। एज ए एग्जाम्पल इसे देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, और अल्फ इन दी लैम्स क्लॉथ, भेड़ की खाल में भेड़िया, जैसे ऊपर से भला और अंदर से बुरा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोवर्ब है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, ये तो आपने सुना ही होगा, जो कि फेमस प्रोवर्ब्स है, जो कि आपको क्लास नाइन्थ से ही पढ़ाया जा रहा है। तो इसका एज ए एग्जाम्पल ले लीजिए, आखिर में क्या होता है वही मायने रखता है, ठीक है, अंत भला तो सब भला। नेक्स्ट है, ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, क्या दे रहा है, दूर के ढोल सुहाने होल लगते हैं। सही बात है भाई, तो इसका एज जो है एग्जांपल क्या दिया है, दूर से चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो दूसरों के पास होता है वो अधिक महत्व का लगता है, लेकिन अगर वही चीज़ अपने पास आ जाए तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स, अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी आपको काम करने नहीं आता है और आप जो है सामने वाले को ब्लेम करते हैं। जैसे मान लीजिए आप एज ए यहाँ पे जो है एग्जांपल लिया गया है वर्कमैन का, कि जो वर्कमैन है वो काम नहीं जानता है और किसको ब्लेम करता है, अपने टूल्स को। तो एज ए नाच न जाने आंगन टेढ़ा, एज ए एग्जांपल ले लीजिए, अपनी कमी से कुछ ना कर पाने का दोष अन्य चीज़ों पर देना, ठीक है। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। जैसे एज ए एग्जांपल, बाहरी रंग रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, यू कांट लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप, दे रहा जल में रहकर मगर से बैर ठीक नहीं। ये तो बहुत ही फेमस प्रोवर्ब्स है जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो एज ए एग्जाम्पल, अपने क्षेत्र के ताकतवर व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। फिर एक बार देख लीजिए क्या लिखा है, अपने क्षेत्र के ताकतवर व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये भी जो है बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है। एज ए एग्जाम्पल, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स, अ फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इन डेड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डेड, अपना वही जो आवे काम, मतलब एक ऐसा दोस्त जो हर जो है वक्त काम आए, चाहे वो अच्छा काम हो या फिर बुरा, मतलब दोनों में काम आए। तो एज ए एग्जाम्पल, मुसीबत में काम आने वाला व्यक्ति ही सच्चा मित्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स, डांट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, फिर दे रहा है, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, मतलब कि अगर कोई चीज़ फ्री में मिल गई हो
तो उसका दाम नहीं देखा जाता या फिर उसकी विशेषता नहीं देखी जाती, मिल गया तो बस मिल गया। एज ए एग्जाम्पल, दान में मिली चीजों में कमी नहीं निकालनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स, द पॉट इज कॉलिंग द कैटल ब्लैक, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो हो क्या फेमस प्रोवर्ब्स है स्टूडेंट्स, आपने इसके बारे में हमेशा से जो है पढ़ा होगा। एज ए एग्जाम्पल, खुद गलती करना और दूसरे को भला बुरा कहना, ठीक है। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है, तो ये तो आपको मालूम ही होगा। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स, मोर इज टू इट देन मिट्स द आई, दाल में काला कुछ तो गड़बड़ होना, बहुत ही फेमस प्रोवर्ब्स है, याद कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, आगे कुआं पीछे खाई या फिर आसमान से गिरा खजूर पे अटका, ये तो प्रोवर्ब्स आपने यूजली, आप लोग ऐसे प्रोवर्ब्स आपने जो है डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे हर तरफ मुसीबत होना, ठीक है। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स है, स्पीक थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, नाम लिया और शैतान हाजिर। क्या प्रोवर्ब्स है स्टूडेंट्स, जिसका जो है हम लोग डेली यूज करते हैं। ये सारे के सारे प्रोवर्ब्स ऐसे हैं जिनका यूज हम लोग डेली लाइफ में ऑलमोस्ट करते हैं। तो आप, मैं ये कहूँगा कि आप लोग जो है अगर इनमें से किसी प्रोवर्ब्स को नहीं जानते, इंग्लिश मीनिंग जिस प्रोवर्ब्स का नहीं जानते, एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो एज ए एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, नाम लिया और शैतान हाजिर का, किसी के बारे में सोचते बोलते ही उसका सामने आ जाना, ठीक है, ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स है, टू टर्न टेल टू सो अ क्लियर पॉइंट पेयर्स ऑफ हिल्स, जैसे दुम दिखाकर भाग जाना, डर के आगे भाग जाना, ठीक है। नेक्स्ट है, बैन इन रोम डू एस रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेस, ये तो जो है बहुत ही फेमस जो है प्रोवर्ब्स है जिसका यूज आप लोग डेली करते हैं। जैसा देश वैसा भेस, मतलब जैसे समाज मिल जाए अपने आप को उस समाज के अनुसार ढाल लेना चाहिए। एज ए एग्जाम्पल, जगह के अनुसार रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स है, इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, या फिर फैले हुए दूध पे पछतावा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ हो जाने के बाद उस पर पछताना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रोवर्ब्स है, जो कि हमारा लास्ट प्रोवर्ब्स है, टॉप आज के टॉप 50 प्रोवर्ब्स में ये हमारा लास्ट प्रोवर्ब्स है। इतना ही जो है 41 प्रोवर्ब्स मैं आपके लिए लेके आया था जो कि टॉप 50 में था। तो नेक्स्ट प्रोवर्ब्स है स्टूडेंट्स, अ ब्लैक शीप घर का भेदी लंका ढाए, ये भी बहुत ही फेमस प्रोवर्ब्स है जिसके बारे में आप लोग ऑलमोस्ट सुने होंगे। जैसे करीबी व्यक्ति दुश्मन के साथ मिलकर अधिक नुकसान पहुंचाता है। सो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आज का ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यार अगर वीडियो पसंद आया तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है। और फिर कल सुबह 11 बजे तैयार रहिएगा अपने अदर सब्जेक्ट के लाइव क्लास के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड गुड नाइट।